गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हम ह्यूमिडिटी की बात करते तो ज़रूर है, लेकिन हाँ, अगर हमसे कोई कह दे कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं सच में ह्यूमिडिटी होती है या फिर वाटर वेपर एयर में है, कहने को तो सब कह देगा, हम भी कह दिया, आपने भी कह दिया, हो सकता है 10 में से 8 लोग मान भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है 2 लोग ऐसा कहे कि नहीं कैसे भाई, क्यों, आप हमें प्रूव करके दिखाइए, देन वी विल प्रूव इट हाउ, लेट्स सी। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम ऐसे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट आपके डेली लाइफ में बताते हैं। जस्ट लाइक घर पर रेफ्रिजरेटर होगा, जब आप बहुत ही ठंडी बॉटल, फ्रिज में जमा हुआ बॉटल जिसमें वाटर क्या हो जाता है, आइस वगैरह बन जाता है, उसको आप बाहर निकाल के रख दीजिए, उसका कैप अच्छे से लॉक होना चाहिए, यानी कि कैप से वाटर का लीकेज ना हो। थोड़ी देर बाद आपको क्या फील होता है, क्या बॉटल के चारों तरफ, बॉटल के सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे चारों तरफ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे, हाँ या नहीं, दिखाई पड़ते हैं ना, वो कहाँ से आए? क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम ये कहें कि ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो बॉटल के अंदर से बाहर नहीं आए हैं तो आप कैसा फील करेंगे? हाँ, अभी आप कहेंगे सर फिर गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको पिछली क्लास में भी समझाया गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी होता होगा। इन द सेम वे आप ऐसे सोचिए ना, एक बॉटल में पानी रख दिया आपने और नॉर्मल पानी है, आप उसको खूब हिला रहे हैं, कभी आपने देखा उस बॉटल से पानी को बाहर आते हुए बॉटल के सरफेस से? नहीं ना, ढक्कन अगर अच्छे से लॉक है कैप उसका, कि कभी आपने देखा पानी बाहर आता हो? नहीं आता। तो फिर जब ठंडा था तो पानी कैसे बाहर आ सकता है? हाँ, इसका मतलब पानी अंदर का बाहर नहीं आया, तो फिर ये पानी कहाँ से आया? ये वही पानी है जो एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में था, जब आपने इस ठंडे से बॉटल को बाहर रखा तो क्या हो गया, बाहर की जो सराउंडिंग एयर थी वो ठंडा होने लगी और जो वाटर वेपर था वो ठंडा होके कंडेंस हो गया, कंडेंस होके क्या बन गया, लिक्विड। याद है कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ गैस और वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड और वाटर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। ऐसे ही होता है जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बाहर निकाल के रख दीजिए, थोड़ी देर में चारों तरफ पानी पानी होने लगता है। कभी आप उसको टेस्ट करिएगा, आपको कोल्ड ड्रिंक वाली 1% फीलिंग नहीं आएगी, इसका मतलब वो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं। अगर वो अंदर से बाहर आया होता तो कोल्ड ड्रिंक ही रहा होता, तो फीलिंग कुछ ना कुछ तो मैच करनी चाहिए थी, बिल्कुल मैच नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, वो वाटर है। वो वाटर कहाँ से आया, वाटर वेपर से कन्वर्ट होके वाटर बना, और ये वाटर वेपर कहाँ था फिर, हाँ एयर में था। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे, देखिए देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ एयर है उसमें हमेशा वाटर वेपर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठंडी के दिनों में ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, गर्मी के दिनों में ये अमाउंट कम हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कीप्स ऑन चेंजिंग, जो इसकी अमाउंट है कभी ज़्यादा कभी कम, ये हमेशा बदलती रहती है, ये नहीं कि हमेशा इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। गर्मी के दिन में बहुत ही कम हो जाता है, ठंडी के दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कभी ज़्यादा कभी कम। वाटर वेपर कम्स इनटू एयर फ्रॉम द इवापोरेशन ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। एक तो ये लिखना है आपको, इतनी नहीं, आपने काम करिए बस यहां तक कर लीजिए डायरेक्ट, ये बार बार ठीक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो इवापोरेशन होता है कहाँ होगा, वाटर बॉडीज में, यानी कि सी, लेक, ओशंस, रिवर, पॉन्ड्स, सब धीरे धीरे इवापोरेट होते हैं। अच्छा, बॉयलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है, बॉयलिंग हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही स्टार्ट होगा, जो कि वाटर के लिए कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले वो कभी भी बॉयल नहीं हो सकता। लेकिन इवापोरेशन स्टार्ट एट एवरी टेम्परेचर, ओनली द कंडीशन इज इट शुड बी प्रोवाइडेड एट लीस्ट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको कम से कम इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए जितनी कि लैटेंट हीट का वेपराइजेशन हो, ताकि वो डायरेक्ट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सके और फिर वो लगातार वेपर बनता रहता है। तो देखिए, इनके सारे वाटर वेपर कहाँ होते हैं, एयर में मौजूद होते हैं,
वाटर वेपर इज ऑल्सो गिवेन आउट बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। आपने ट्रांसपीरेशन पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे अभी आपको पढ़ाया जाएगा। यस, तो जो वाटर का प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं, उसी तरह से जो लीव्स होती हैं उनसे भी वाटर बाहर निकलता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आगे देखिए, एनिमल्स गिव आउट वाटर वेपर व्हेन दे ब्रीद आउट एयर। जब वो सांस छोड़ते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं ना, क्योंकि अब देखो लिक्विड नहीं है, वो क्या बाहर आता है? भाप, दैट इज वाटर वेपर। लैंड ऑल्सो गिव्स वाटर वेपर ऑन बींग वार्म्ड बाय द सन। अब जैसे कई बार हम लोग घर पे क्लीन करते रहते हैं सरफेस को, या फिर सड़क पे पानी गिर जाती है तो धूप की वजह से वो भी इवापोरेट होते रहते हैं। तो इस तरफ से चारों तरफ से हमें क्या मिलता है? वाटर वेपर। अरे वाटर वेपर कहाँ जाते हैं? ऑल दे गॉट स्टोर्ड इन द एयर। और सब के सब कहाँ होते हैं? एयर में। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि एयर में वाटर वेपर होते हैं, बस हमें प्रूव करना है कि कैसे दिखाएंगे हमने। सो फॉर दैट वी विल डिस्कस एन एक्टिविटी। आपको ये डायग्राम बनाना है, ये नंबर नहीं मेंशन करेंगे आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये डायग्राम आप बना लेंगे, बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। दो ऑप्शन है, आप चाहें तो खुद से बना के लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ से लिख लीजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं होगा। देखिए, वी टेक ए स्टील टम्बलर एंड पुट सम वेल क्रश्ड आइस इनटू इट। हम क्या करेंगे? ग्लास, स्टील का ग्लास लेंगे और उस ग्लास में कुछ आइस के टुकड़े रख देंगे, आइस क्यूब्स। वाइप द टम्बलर फ्रॉम द आउटसाइड विद अ पीस ऑफ क्लीन ड्राई क्लॉथ। उसके बाद जो ग्लास है उस ग्लास को हम काफ़ी अच्छे से सूखे हुए कपड़े से साफ करेंगे, ताकि उसके ऊपर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स ना रहे। अलाउ द आइस कंटेनिंग स्टील टम्बलर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 5 मिनट्स। और उसको उसी कंडीशन में 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ स्टील टम्बलर। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि छोटे छोटे ड्रॉप्स, वाटर के ड्रॉप्स क्या है, उस ग्लास के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे हैं। द एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन्स वाटर वेपर इन इट। व्हेन दिस वाटर वेपर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड आउटसाइड सर्फेस ऑफ स्टील टम्बलर दे कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर। सो द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द टम्बलर कंटेनिंग क्रश्ड आइस शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही सराउंडिंग एयर उस ठंडी ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो तुरंत कंडेंस होके क्या बन जाएगा? लिक्विड। और इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वाटर वेपर एयर में होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या क्या करना है? सिंपल सी बात है, जुड़ी ने आप इसको ऐसे लिखे, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डाल लीजिए, फिर उस ग्लास को चारों तरफ से अच्छे से ड्राई क्लॉथ से साफ कर दीजिए, ताकि एकदम कोई ड्रॉप्स ना रहे उस पर। फिर 5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे ड्रॉप्स इकट्ठे होने लगेंगे। इसका मतलब ये ड्रॉप्स कहाँ से आए? क्या अंदर का पानी बाहर गया? नहीं। तो ये ड्रॉप्स कहाँ से आए? इसका मतलब जो सराउंडिंग एयर था उसमें वाटर वेपर था, जो कि इस ठंडा ग्लास की वजह से वो कंडेंस होके क्या बन गया? लिक्विड। इसका मतलब ये है कि एयर में हमेशा वाटर वेपर होता है, दैट्स प्रूव। इतना आप कर लीजिए, बाकी कल हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 5, जिसमें 3 हम हमेशा पढ़ते हैं और 2 आगे हम पढ़ेंगे, कौन सा? प्लाज्मा और BEC, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।